क्षेत्र नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के लोगों ने बीते 10 दिनों से पानी की समस्या से परेशान होकर रांची रोड को जाम कर दिया और आगजनी भी की। सूचना पाकर लहरी थाना पुलिस और बिहार शरीफ प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, तब जाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू हो पाया। दरअसल गर्मी के दस्तक देते ही बिहार शरीफ में पानी की समस्या देखने को मिलती है। सरकार ने हर घर नल जल जैसी कई योजनाएं लाई, लेकिन पानी की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। इन लोगों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से भी की थी, लेकिन समस्या का कोई भी निदान नहीं हो पाया, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। बहुत बड़ा समस्या है सर, ये रांची रोड में पानी है, लेकिन हम लोग कुम्हरौरा में पानी नहीं चढ़ रहा है। हम लोग बहुत तंग है, बाकी सब लोग को पानी मिल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा कुम्हरौरा पे। इसलिए रांची रोड से कनेक्शन कर रहे हैं, नहीं तो वो रोड से कर दो, रोड में पानी नहीं है, बीच में हम लोग को पानी नहीं है सर। हम लोग बहुत दिन से परेशान है पानी के। बोकारो में गायब रेल कर्मी का शव पुलिस ने शनिवार बरामद कर लिया। रेल कर्मी का शव हरला थाना क्षेत्र की कूलिंग पॉइंट 2 से बरामद किया गया। आपको बता दें कि रेल कर्मी शुक्रवार की सुबह मॉर्निंग वॉक की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके फोन पर कई बार संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान शुक्रवार को कूलिंग पॉइंट से उनका शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सेक्टर 9 स्ट्रीट के 17 के रहने वाले 30 वर्षीय मंजीत कुमार नायक के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल से मिसिंग था मंजीत कुमार नायक, है नायक थे, कल से खोजा जा रहा था, तो आज सवेरे जो है खोजते खोजते पता चला, हम लोग आ गए हैं 2 नंबर कूलिंग पॉइंट के पास। यहीं पर जो है सो अंत परीक्षण इसे किया जा रहा है और आगे की भेजा जाएगा पोस्टमार्टम।